मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच की छाती है और टीवी पे आवे बार बार रोन लगे। वो तो आपके लिए रोते हैं ना, मेरे लिए क्यों रोता और क्या, किसके लिए रोया बताओ? 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके लिए तो एक शब्द तक नहीं बोल पाया क्या? ये जो किसानों की शहादत हुई है, ये अमेरिका के किसान थे? कहा तो है ना कि हमारी तपस्या में को कमी रह गई है। तपस्या, तपस्या करी कद है, करी कद है, तपस्या करी, तपस्या कर रहा था तो तपस्या उसकी तुड़वाई किसने है वो और बता दे बस मुझे। जैसे एक वो ऋषि तपस्या कर रहा था ना, वो कौन था पहले, और उसकी जो है मेनका ने आके तपस्या भंग कर दी थी, तो मेनका के चक्कर में उसकी तपस्या भंग हो गई, और इस कंगना रणावत के चक्कर में इस मोदी की तपस्या भंग हो गई। कंगना रणावत ने फिर से बयान दे दिया है कि वो तो आतंकवादी हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वो किसान नहीं है ये। तो देखो, एक को तो डूब के मरना पड़ेगा, या तो कंगना रणावत डूब के मरे या ये मोदी डूब के मरे। पद्मश्री मिल गया उनको, आप ऐसे बात करें उनके लिए? ऐसे पद्मश्री 565 मिलते हैं, जिसको इस देश का किसान चाहता है वो पद्मश्री क्या, वो भारत रत्न से भी बड़ा होता है। लोग कह रहे हैं कि किसान बॉर्डर पे अब राजनीति कर रहे हैं, उलझुल बयान देने लगे हैं। क्यों भाई, ये क्या मुजरा कर रहे हैं सारे ये मुजरा कर रहे हैं, जो हमारे बारे में ऐसी शब्द बोल रहा है वो मुजरा कर रहा है क्या? वो राजनीति नहीं कर रहा, कौन कह रहा है? हम तो राजनीति करते हैं, हर किसान राजनीतिक है। जो 18 साल का हो जाता है वो राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि उसकी वोट बन जाती है। और अगर मैंने इसे वोट दी है तो मैं इसका सपोर्टर हूँ, मैंने इसे वोट दी है तो मैं इसका सपोर्टर हूँ, तो राजनीति तो करनी पड़ेगी जब वोट देंगे। और जो वोट नहीं देता उसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। किसान नेता हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, कोई मेनस्ट्रीम मीडिया की महिला एंकर रिपोर्टर आता है तो उनको दुत्कारते हैं, उनको जो है भगा देते हैं, उनको अपने इंटरव्यू नहीं देते हैं। देखिए, कौन कह रहा नहीं देते, एजेंडा चल रहा है एक, किसान को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि सारे एलिगेशन हम लोगों पे लग लिए, उनसे हम लड़ रहे हैं, तो अब इन पे कौन सा एलिगेशन लगाया जाए? तो एक एलिगेशन बहुत अच्छा लगता है कि महिला से लगवा दो, आपको आपको इंटरव्यू लेना है, सभ्यता के दायरे में खड़े होकर लो ना इंटरव्यू, आके हमारे नेता के ऐसे लिपटने की क्या जरूरत है, शारीरिक टच करने की क्या जरूरत है? उन्होंने यही तो कहा है, और क्या कहा है, जाइए आप, और मेरी मर्जी, आपने मेरे से कहा कि आप कुछ बोल दीजिए, ये तो मेरी मर्जी है कि मैं आपके इस पर बोलूं या नहीं बोलूं। जब मैंने मना कर दिया भाई मैं नहीं बोल रहा, तो आपकी कोई जबरदस्ती है तो आप जाते क्यों नहीं? ठीक है हरेंद्र जी, जो अभी आप डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं बाकायदा, प्रमुख मांग क्या क्या आपकी बची है जिनके लिए आप अभी भी आंदोलन लगातार कर रहे हैं? देखिए, MSP पे गारंटी का कानून, और 50,000 से ज़्यादा 55,000 के करीब मुकदमे हैं किसानों पे, ये वापस होंगे क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान लगे हैं। हमारे 750 के आसपास किसान शहीद हुए हैं, देखिए उन परिवार की सोचनी पड़ेगी। और वो लखीमपुर खीरी का टैनी भाई, वो जेल जाना, वो तो कई बार पंचायत कर चुके हैं आप जाकर के, वहाँ भी करिए, लखीमपुर में भी, आपने लखनऊ में भी कर लिए, लेकिन योगी जी ने कोई आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है स्पेशली। भैया जब हम यहाँ आके बैठे थे, पहला महीना हुआ, एक महीना हुआ मोदी बात नहीं मान रहा, दो महीने हो गए मोदी नहीं बात मान रहा, टैनी वाले मामले की मैं ही बता रहा हूँ, इसमें भी ऐसे ही चल रहा था, गया ना, वापस हुआ ना बिल, एक दिन वो भी जाएगा, चिंता मत करो, हम कहीं जा रहे हैं, बता देना सरकार को कि 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, हर भारत का किसान भी वही है, और दिल्ली दूर नहीं, 26 जनवरी नजदीक है। हरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर पुराने नहीं हटने चाहिए, बिल भी कम होना चाहिए, पराली पे कोई कानून नहीं होना चाहिए, आप अपने सारी जो बातें हैं रख रहे हैं सरकार के सामने, मांग कर रहे हैं, लेकिन जो आपके खेतों में काम करता है गरीब मजदूर, जो खेतिहर मजदूर आपके खेत में अनाज ढोता है, अनाज काटता है, खेत जोतता है, उसके लिए कुछ मांगे आपने रखी है सरकार से? देखो भाई, मैंने तो कोई सी भी मांग नहीं रखी, आप बात, ये तो संयुक्त किसान का मजदूर का आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चा के जो जत्थेदार हैं आप उनसे बात करें, तो मांग रखी जानी चाहिए ना आपकी नजर में? बिल्कुल रखी जानी चाहिए, हर चीज पर लड़ेंगे इन जो लोग हैं, अरे हम हर चीज पर लड़ेंगे, मजदूर कहीं कलकत्ता के उसके हैं, वे अमेरिका के, वे भारत के ना, हम बेरोजगारी की भी बात करेंगे, हम शिक्षा की भी बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, हम महिलाओं की भी बात करेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये हमेशा के लिए बना रहे और देश के हर मुद्दे पर जो भी जायज मुद्दा है सार्वजनिक, उस पे इनको लड़ना चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ।
सर, जब ये आंदोलन खत्म होगा इन फ्यूचर, तो जो बहुत सारे बारदाने हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, टेकरी बॉर्डर पर, जो बड़े बड़े टेंट हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, पानी गर्म करने के सामान है, बांस पल्ली है, पन्नी है, इसका क्या होगा? अरे जब आंदोलन खत्म होगा सब होगा, सब होगा। देखिए जो लंगर है हमारे वो तो लंगर वालों के हैं, कुछ किराए पे ला रखे हैं तो उनके वापस चले जाएंगे, और जो कुछ बच रहे होंगे तो अगले आंदोलन के लिए सगवा के रख लेंगे। क्या पता अगली सरकार फिर कुछ गड़बड़ करे। हाँ, और जो वैसी चीज होगी जैसे बांस बल्ली है, तो जिसको गरीब गुरबा को बेचारे को चाहिएगा तो उसके ले जाएगा, दे देंगे उसको जब आंदोलन खत्म होगा। कौन सा इन्हें हम घर में रख के क्या करेंगे, गरीब लोगों को मिल जाने चाहिए। ठीक है।